हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लाइफ विद लिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं, सब अपने घरों में हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सीरम जो हेल्प करेगा आप लोगों को आपकी आईब्रो की हेयर की ग्रोथ के लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी आईलैशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हैं, तो आपकी आईलैशेस भी इस सीरम के इस्तेमाल से थिक हो जाएंगी। पर ये सीरम बताने से पहले मैं आप लोगों को दो ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। पहली ये कि जो लोग अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा रब करते रहते हैं, वो लोग रब मत करा करो, क्योंकि उससे जो ये आई लैशेज होती हैं ये नीचे नीचे गिरने लगती हैं। और दूसरी बात, ये जो सीरम मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ओवरनाइट कोई मिरेकल नहीं कर देगा, या 3 दिन में या 4 दिन में या 20 दिन में कुछ डिफरेंस आपको नहीं नज़र आएगा। आपको इस सीरम को कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको यूज़ करना है, रेगुलरली यूज़ करना है। और क्या होता है, स्किन टू स्किन भी चीज़ें वेरी करती हैं। लाइक कईयों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो उनके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाते हैं, और कईयों की नहीं होती तो उन्हें टाइम लगता है। बट आपको इस सीरम को इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और इसे रेगुलर यूज़ करना है। मैंने दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं, और जिन लोगों को ये पूरी वीडियो देखने का मन नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी जिसकी हेल्प से ये सीरम बनेगा, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट गेट स्टार्टेड कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इस सीरम को बनाने के लिए आपको चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी का क्रिस्टल ऑयल। मैं यहाँ किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, हर किसी के घर में इजीली मिल जाता है। और आपको चाहिए एक विटामिन ई का कैप्सूल। और जो भी मैं सीरम बनाऊंगी उसे मैं सेव करूंगी इस तरीके की कुछ ग्लास की बॉटल में। तो चलिए जल्दी से तीनों इंग्रेडिएंट को इस बॉटल में डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की ग्लास की बॉटल नहीं है तो स्पेशली परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई छोटी सी कांच का कंटेनर भी पड़ा है, उसे इस सीरम को आप उसमें भी सेव कर सकते हैं। और आप चाहो तो हर रात को आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करो और लगा लो। आपको स्टोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूजली कोकोनट ऑयल का काम होता है नरिशमेंट देना, तो इससे आपकी आईलैश को नरिशमेंट मिलेगा। तो चलिए इसे मैं बताती हूँ कि लगाना कैसे है। लगाने से पहले आप इसे अच्छे से शेक कर लो, और इसे आप लगा सकते हो कॉटन की हेल्प से। मैं यहाँ पे ड्रॉपर की मदद नहीं लूँगी क्योंकि क्रिस्टल ऑयल है और क्रिस्टल ऑयल बहुत थिक होता है, वो ड्रॉपर से नहीं निकलता है। मैं डायरेक्टली इसे कॉटन पे इस तरीके से निकालूँगी और अपनी आईब्रो पे और अपनी आईलैश पे अच्छे से लगा लूँगी। आप चाहो तो इसे नाइट में लगा के रख लो ओवरनाइट, या आप इसे 2.5-3 घंटे तक लगा के रखो और उसके बाद आप इसे वॉश ऑफ कर सकते हो। मेक श्योर कि ये आपकी आँखों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ये आँखों में चला जाएगा तो आँखों में इरिटेशन होगी, और गलती से चला भी जाता है तो आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि जो भी अंदर गया है आँखों के वो बाहर निकल जाए। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये सीरम बनाना कितना आसान है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट से एलर्जी है तो इस सीरम को आप प्लीज़ इस्तेमाल मत करिएगा। चांसेस बहुत कम है, बट कई लोगों को होता है, लाइक उनको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, उनके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, या क्रिस्टल ऑयल सूट नहीं करता, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और आप लोग इस सीरम को ज़रूर बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये सीरम सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को ये सीरम सूट करता है और आपकी आईब्रो या आई लैशेज में 10% का भी फर्क आता है तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, भले ही 2 महीने बाद दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज लिली साइनिंग ऑफ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।